सारी की सारी चीज़ें हमें इसके अंदर बतानी है। बट उससे पहले सबसे पहले ये आपको कुछ बैकग्राउंड के बारे में बताएगा। सबसे पहले ये कह रहा है कि भाई जैसे कि हम जानते ही हैं, अभी देश का अधिकांश कार्यकलाप जो है वो निजी क्षेत्र में हो रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार के बावजूद आर्थिक जीवन पर निजी क्षेत्र का ही प्रभुत्व है। लगभग 80% आर्थिक कार्यकलाप इसी क्षेत्र के अंदर आते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में भी जहां इन दोनों क्षेत्रों के सापेक्ष योगदान के बारे में बड़ा विवाद रहा है, निजी क्षेत्र अपना अधिक महत्व जो है वो बनाए हुए है। 1991 की वर्तमान औद्योगिक नीति ने इसके महत्व को और भी अधिक बढ़ावा दिया है। जबकि हम इससे पहले की अगर हम बात करते हैं, तो इससे पहले की अगर हम बात करते हैं 1991 से पहले की, हमने वहाँ पे पढ़ा था कि भाई 1991 से पहले, 1991 से पहले क्या होता था, 1991 से पहले जो है सार्वजनिक क्षेत्र की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा थी। तब जो है सार्वजनिक क्षेत्र के ऊपर हम बहुत ही ज़्यादा थे। लेकिन उसके बाद 40 सालों के बाद जब हमने उसे 1991 में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को अपनाया, तब जाके निजी क्षेत्र जो है उभर कर आया। आज़ादी से पहले रेल और डाक, तार आदि कुछ सरकारी विभाग प्रतिष्ठानों को छोड़कर औद्योगिक क्षेत्र में और साथ ही पूरी अर्थव्यवस्था पर निजी क्षेत्र का ही क्या था, बोलबाला था। ब्रिटिश सरकार का तो मानो निजी क्षेत्र के साथ गठबंधन ही हो गया था, और ब्रिटिश व्यापारियों और निवेशकों को इस देश के शोषण के लिए एक मजबूत आधार सुलभ करने के विचार से निजी क्षेत्र को उन्होंने क्या दिया, और बढ़ावा दिया। तो अंग्रेजों के टाइम से पहले था, फिर जो है सरकार, जब हम आज़ाद वगैरह हो गए तो सरकार ने अपनी प्रायोरिटी रखी, तब चला गया। फिर 1991 फिर जो है निजी क्षेत्र वाले आए। तो हमने उन 40 सालों में क्या क्या हुआ निजी क्षेत्रों के लिए, ये हमने सारी चीज़ें औद्योगिक नीति के अंदर वहाँ पे हमने पढ़ी है। हम बात करते हैं कि भाई ये जो है इन पहले हम बात करते हैं कि निजी क्षेत्रों की जो है समस्याएं क्या क्या होती हैं। निजी क्षेत्र जो है क्या क्या समस्याओं को फेस करते हैं। जैसे हमने कल जो है सार्वजनिक क्षेत्र की समस्याएं पढ़ी थी, अब हम जो है निजी क्षेत्र की समस्याओं के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। बेटा निजी क्षेत्र जो है एक ऐसा क्षेत्र होता है, मतलब जिसका ओनर, जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस एंटरप्राइज का ओनर एक निजी व्यक्ति होता है, उसको जो है निजी क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे सरकार कोई भी, मतलब यहाँ पे सरकार का कोई रोल नहीं है, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। एक अकेला व्यक्ति जब अपना कारोबार इस्टेब्लिश करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है निजी क्षेत्र के अंदर उसको हम काउंट करते हैं। इसमें सर जैसे पहले वाले में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे सारा का सारा कंट्रोल, सारा का सारा मैनेजमेंट जो है कौन करेगा, सरकार करेगी। बट यहाँ पे सारा का सारा कंट्रोल, सारा का सारा मैनेजमेंट जो है एक निजी व्यक्ति के हाथ में होता है, एक इंडिविजुअल पर्सन के हाथ में होता है। सरकार का इसका यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं होता है, मतलब इसकी इसके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सरकार को कोई लेना देना नहीं है। तो कह रहा है कि भाई निजी क्षेत्र की विशालता और भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था और आयोजन में इसके सुनिश्चित स्थान और कुछ उपलब्धियों के बावजूद भी अनेक समस्याएं और कमियां हैं। यहाँ हम इस क्षेत्र के उद्योग से संबंधित प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालते हैं। जैसे कि सबसे पहले पॉइंट में लिखा हुआ है गैर उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य प्रणाली। इसका क्या मतलब होता है, कह रहा है दूषित कार्य प्रणाली के कारण निजी क्षेत्र ने उतनी प्रगति नहीं की है कि जितनी की ये कर सकता है। इसके कार्य संचालन में अनेक दोष नज़र आते हैं। उदाहरण के लिए निजी क्षेत्र के उत्पादक ना तो लागत को कम करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं, ना ही उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में प्रयत्नशील रहते हैं। उल्टे अनेक उत्पाद व्यापार क्षेत्र में अनुचित तौर तरीके का व्यवहार करते हैं। इससे काला धन, चोरी, बाजारी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इस क्षेत्र में स्वस्थ प्रतियोगिता का प्राय अभाव रहता है। अपने ऊपर निर्भर रहने के बजाय ये अनेक कार्यकलापों के लिए बहुत बड़ी सीमा तक सरकार या सार्वजनिक संस्थाओं पर निर्भर रहते हैं।
इससे मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। तो सबसे पहला, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये फेस करते हैं, उसने बोला कि भाई ये काम जो है ना, अपना काम सही तरीके से नहीं करते, इनके कार्य संचालन में अनेक तरीके के जो दोष हैं वो नज़र आते हैं। जैसे कि अगर जो प्राइवेट वाला प्रोड्यूसर है, जो भी प्रोडक्ट वो बना रहा है, अगर उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग महंगी आ रही है, तो भाई ये कोई भी एफर्ट्स नहीं करते कि उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को जो है हम कम करें, कि कंज्यूमर को जो है कैसे भी करके प्रोडक्ट सस्ते से सस्ता मिले, ये ऐसा कुछ नहीं करते। जबकि हमने पीछे पढ़ा कि भाई सार्वजनिक वाले तो देखते हैं ऐसे कि कैसे प्रोडक्ट को सस्ते से सस्ता बनाया जाए और लोगों को जो है चीप रेट पे अवेलेबल हो सके, लेकिन ये ऐसा नहीं करते। महंगा हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, तो ना तो कॉस्टिंग की तरफ ध्यान देते और ना ही गुड्स की क्वालिटी की तरफ ध्यान देते कि उस गुड्स की जो क्वालिटी है वो किस तरीके की है, अच्छी क्वालिटी है या बुरी क्वालिटी है। ना क्वालिटी पे फोकस करते, ना कॉस्टिंग पे फोकस करते, और उल्टा इनको बेटा लाभ चाहिए, लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करते हैं। तो उल्टा ये क्या करते हैं, अपनी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को ये क्या कर सके, सेल कर सकें, उसके लिए अनुचित तौर तरीके का मतलब होता है अनफेयर प्रैक्टिस, मतलब कि गलत तरीके, जैसे कि लाइक गलत एडवर्टाइजमेंट दिखाना कस्टमर्स को, ठीक है, मिलावट करना, काला बाजारी, जमाखोरी, ये सब इसने यहाँ पे लिखी हुई हैं। भ्रष्टाचार, काला बाजारी, जमाखोरी, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब अनुचित तौर तरीके कहलाते हैं, या गलत एडवर्टाइजमेंट वगैरह दिखाना और कस्टमर को भ्रमित करना कि कैसे भी करके क्या करे वो, कैसे भी करके उनकी सेल जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और उनका माल मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है बिक सके। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि भाई अपना काम जो है वो ठीक तरीके से नहीं करते। सबसे पहली प्रॉब्लम जो ये फेस करते हैं, इनके कार्य प्रणाली में जो है दोष है, सबसे पहला। दूसरा अगर हम बात करते हैं, ये है इसमें वित्त की कमी, पैसों की दिक्कत है भाई इन्हें। यहाँ पे लिखा हुआ है, इस समय निजी क्षेत्र के सामने एक प्रमुख कठिनाई वित्त व्यवस्था की है, विशेष रूप से लघु उद्योगों के लिए। बड़ी कंपनियां तो शेयर, डिबेंचर, ऋण पत्र को कहते हैं, और जमा के सारे साधन जुटाने में समर्थ हो जाती है। ये वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने की स्थिति में भी होती है। नियंत्रण में ढील और छूट की व्यवस्था आदि से शेयर और डिबेंचर के द्वारा साधन संग्रहण का क्षेत्र काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन छोटी कंपनियों को प्राय वित्त साधनों की प्राप्ति में बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है। कमजोर संगठन, अपर्याप्त जमानतें आदि के कारण ये शेयर के सहारे आवश्यक धनराशि नहीं जुटा पाते, इन्हें अधिक ब्याज चुकाना पड़ता है, जिससे इनकी वित्तीय स्थिति और ज़्यादा बिगड़ जाती है। देखिए बेटा, कह रहा है दूसरी जो दिक्कत है वो है भाई पैसों की। पैसों की दिक्कत क्या है, दो तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक तो जो है वो है बड़ी कंपनियाँ और दूसरी जो है ये हैं आपके लघु उद्योग। तो जो बेटा बड़ी कंपनियाँ होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी, जब बड़ी कंपनियों को पैसों की ज़रूरत होती है तो कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे किसने यहाँ पे लिखे हुए हैं शेयर, डिबेंचर वगैरह। तो ये क्या है, इनको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, वित्तीय परिसंपत्ति है कहते हैं। जब भी कंपनियों को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो शेयर, डिबेंचर इशू करके पब्लिक से पैसा ले सकती है, लेकिन बड़ी कंपनियों के लिए तो ये चीज़ पॉसिबल है। छोटी कंपनियों के लिए, बड़ी कंपनियां शेयर से भी पैसा ले लेती हैं, डिबेंचर से भी पैसा लेती हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन भी ले लेती हैं, ठीक है, और इनके शेयर्स, डिबेंचर वगैरह बहुत ही इजीली जो है इशू भी हो जाते हैं, बहुत ही इजीली ये फंडराइज कर लेती हैं इनसे, बड़ी की अगर बात करें। लेकिन छोटी ना तो शेयर इशू कर पाती, ना डिबेंचर इशू कर पाती, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह से अगर लोन वगैरह भी लेती हैं तो भाई उनको जो है लोन वगैरह लेती हैं तो बेटा उनके लोन बिना जमानत के तो मिलता नहीं है। जमानत का मतलब होता है गिरवी रखना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो इनको या इनके पास या तो देने के लिए कुछ होता नहीं है, और अगर इन्होंने ले भी लिया तो भाई बहुत ही ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनको जो है लोन दिया जाता है। तो है ये पहली बात तो लघु इकाइयाँ, ब्याज देने के लिए भी कभी कभार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि ये इनके ही ऋण जाल में जो है फंस जाते हैं और ज़िंदगी भर ब्याज ही चुकाते रह जाते हैं। तो अगली जो प्रॉब्लम है प्राइवेट इंटरप्राइजेस की, वो है पैसों की।
कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो तो चलो शेयर डिबेंचर और बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन वगैरह लेके अपनी वित्त की ज़रूरतों को पूरा कर लेती हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो छोटी हैं उनके लिए दिक्कत है, वो ना शेयर इशू कर पाती ना डिबेंचर इशू कर पाती, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह से लोन लेती हैं तो भाई ये बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, जो कि उनके पास कभी होते हैं गिरवी रखने के लिए, कभी नहीं होते। अब आती अगली, अगली में लिखा हुआ है रूढ़ता। इसका क्या मतलब होता है? कह रहा है एक अन्य बड़ी समस्या जो है वो देश की बढ़ती हुई औद्योगिक रूढ़ता है। ये रूढ़ता इन लक्षणों के रूप में प्रकट होती है, लगातार हानियाँ, ऋण ऋण इक्विटी अनुपात की स्थिति में गिरावट, चालू देनदारियाँ चुकाने में उद्यमों की असमर्थता आदि। इसका क्या मतलब होता है बेटा? इतना इसका मतलब ये होता है कि भाई जो प्राइवेट वाले वो है ना, प्राइवेट एंटरप्राइजेस की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे दो तीन वर्ड को यूज़ किया गया है, लगातार लगातार हानियाँ, ये तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि लगातार हानियों का मतलब क्या है, कि बहुत सारे प्राइवेट एंटरप्राइजेज ऐसे हैं कि भाई खुली हुई हैं लेकिन कई सालों से लॉस ही सफ़र कर रहे हैं, लॉस ही लॉस हुए जा रहा है। प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है चालू देनदारियाँ चुकाने में उद्यमों की असमर्थता। मतलब कि देनदारियों का मतलब होता है बेटा लाइबिलिटी, उनके ऊपर जो उधार है उनके ऊपर इतना उधार हो चुका है, एक तो लॉस हो रहा है और उनके ऊपर इतना उधार हो चुका है कि वो अपने उधार को ही पे करने की सिचुएशन में नहीं है। ऐसे ऐसी सिचुएशन में इंग्लिश में कहते हैं इस वर्ड को इंसॉल्वेंट हो जाना, इंसॉल्वेंट कहते हैं, जिसको हिंदी में दिवालिया कहते हैं। ठीक है, तो कंपनियों की ऐसी सिचुएशन हो चुकी है, अगर हम बोले कि कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो चुका है तो हम उसका मतलब है कि उसके ऊपर जितना भी कर्जा था अब वो उसको पे करने की सिचुएशन में नहीं है। ठीक है, बंदा भी इंसॉल्वेंट होता है, कंपनी भी इंसॉल्वेंट होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर इतना उधार हो चुका है, इतना उधार हो चुका है कि कुछ भी कर लो, उसका घर बार सब कुछ बेच दो, कुछ भी कर दो, लेकिन फिर भी उसका उधार जो है नहीं उतरने वाला है। तो भाई प्राइवेट इंटरप्राइजेस की दूसरी बड़ी दिक्कत है, लगातार लॉस सफ़र कर रहे हैं, अपनी लायबिलिटी को पे करने के लिए उनके पास जो है पैसे नहीं हैं। इन उद्यमों के संबंध में हानि की स्थिति जो है वो बनी रहती है। इनमें काम करने वालों के लिए रोजगार बनाए रखने के उद्देश्य सरकार ऐसे उद्यमों को प्राय अपने हाथ में लेती रही है। इस अब क्वेश्चन ये है कि भाई अब लॉस में जब चल रहे हैं तो बंद करो फिर, इसको खोल के क्या कर रखा है? जब लॉस ही सफ़र कर रहे हैं, अपना लाइबिलिटी पे करने के लिए पैसा नहीं है, तो अगर बेटा इनको बंद कर दिया तो इनके अंदर काम करने वाले जो लोग हैं वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार क्या करती है कि लोगों का काम धंधा ना जाए, लोगों का रोजगार जो है वो बना रहे, तो सरकार ऐसे उद्योगों को अपने अंडर में ले लेती है कि ठीक है मुझे दे दीजिए, मैं देखती हूँ इसका क्या है। इससे सरकारी वित्त व्यवस्था पर बोझ पड़ता है, अब सरकार को वो लॉस सफ़र करना पड़ेगा जो वो जी उसकी वजह से हुआ, और उसकी लायबिलिटी अब सरकार वगैरह को देखनी पड़ेगी, तो इससे सरकार के ऊपर जो है बर्डन क्रिएट हो जाता है। ऐसे उद्यम अर्थव्यवस्था के लिए और भी अनेक दुष्परिणाम पैदा करते हैं, और भी इससे आपको अलग अलग तरीके के इफ़ेक्ट इसमें हमको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि उत्पादन में कमी, क्षमता का अल्प उपयोग, संसाधनों की बर्बादी। अब जब सरकार ने उसको अपने अंडर में ले लिया, जो उद्योग लॉस सफ़र कर रहा था तो अभी वो इतना एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर पाएगा क्योंकि पहले ही लॉस सफ़र कर रहा है, तो हो सकता है प्रोडक्शन में कमी हो जाए, या जितनी एफिशिएंट तरीके से उनको काम करना चाहिए उतना एफिशिएंट तरीके से जो है वो काम नहीं कर पाए, क्षमता का अल्प उपयोग हो पाएगा, तो इसको कहते हैं रुढ़ता। तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस की तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई लॉस सफ़र कर रहे हैं, बंद नहीं कर सकते, अपनी लाइबिलिटी को पे करने तक के पैसे नहीं हैं, और कई सारे प्राइवेट एंटरप्राइजेज ऐसे हैं जो लगातार कई सालों से लॉस में ही सफ़र कर रहे हैं, लॉस में ही चल रहे हैं। एक से एक एग्जांपल है बेटा, एक से एक इसका, तो बहुत किसी भी सेक्टर के अंदर ले लीजिए, किसी भी सेक्टर में, जैसे कि जैसे आपने सुना होगा यस बैंक, यस बैंक सबने सुना है। ठीक है, अब अभी आप तो थोड़े आउट साइड के हो, अगर आप एक्टिव रहते तो आपको पता चलता आज यस बैंक की हालत, आज उसको बेटा कोई सुनता भी नहीं है,
उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, उसके ऊपर इतनी लाइबिलिटी हो चुकी, प्राइवेट बैंक के वो इतनी लाइबिलिटी हो चुकी है, इतनी लाइबिलिटी हो चुकी है कि वो अपनी लाइबिलिटी को ही पे करने की सिचुएशन में नहीं है। तो अब उसको कोई भी दूर दूर कोई पूछता ही नहीं है, तो उसने अपनी हालत खुद ख़राब करी है। अगला जो पॉइंट है ये है एकाधिकार एवं सत्ता का विकेंद्रीकरण। दो वर्ड यहाँ पे लिखे गए हैं, पहला है एकाधिकार। तो एकाधिकार का मतलब आपको पता ही है, एक बंदे का अधिकार। एकाधिकार किससे बना है? एक बंदे के अधिकार से। और सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का मतलब होता है पावर, ठीक है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले क्या कह रहा है इस पॉइंट में, पहले ज़रा पढ़ते हैं। निजी क्षेत्र में औद्योगिक विकास का एक विशेष हानिकारक पहलू है एकाधिकार का उदय और चंद हाथों में सत्ता का विकेंद्रीकरण। पूंजी और परिसंपत्तियों के संबंध में कुछ वाणिज्य वर्गों के प्रभुत्व एक बहुत बड़ी आर्थिक और सामाजिक समस्या है। उद्योगों का ऐसा नियंत्रण उत्पादन मूलक नहीं होता और वे अधिकतम लाभ कमाने के आधार पर ही काम करते हैं। इससे उत्पादन में कमी आती है, कीमतों में वृद्धि होती है और एक आधार मूलक लाभ कमाया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि प्राइवेट वाले जो हैं, अगली प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं, ये क्या करते हैं, जितने भी प्राइवेट वाले होते हैं बेटा, प्राइवेट एंटरप्राइजेस जितने भी होते हैं, ये अपना क्या कर लेते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। अपना जो है एक ग्रुप बना लेते हैं सारे के सारे प्राइवेट, क्योंकि बेटा सब प्राइवेट वाले लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करते हैं। तो सब एक क्या करते हैं, मिलजुल के एक ग्रुप बना लेते हैं। और ग्रुप बनाने के बाद क्या करते हैं, अपने गुड्स के, अपने प्रोडक्ट के प्राइस वगैरह कुछ इस तरीके से डिसाइड करते हैं कि जिससे उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अर्न हो सके। उत्पादन उत्पादन लोगों को, वो चीज़ लोगों को चाहिए नहीं चाहिए मैटर नहीं करता, वो ऐसे उद्योग बनाएंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा बिके और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके और कम से कम उत्पादन करते हैं। क्योंकि बेटा जब किसी भी चीज़ की सप्लाई कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है तो भाई फिर कीमतें बढ़ने लगती हैं, कीमतों में वृद्धि होती है। और इन्होंने सब, अब इन्होंने सब ने आपस में क्या कर लिया, इन्होंने सब ने आपस में जो है ग्रुप बना लिया, सभी प्राइवेट वालों ने जो भी है, चार पांच जितने भी होंगे। तो भाई सब अपनी अपनी कैटेगरी में क्या कर लेते हैं, सब अपनी अपनी कैटेगरी में जो है ग्रुप बना लेते हैं और फिर ये ग्रुप मिल के काम करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है अर्न हो सके। तो उसको कहते हैं एकाधिकार एवं सत्ता का विकेंद्रीकरण। और ऐसा केवल लाभ कमाने के उद्देश्य के लिए किया जाता है। भाई आपस में ग्रुप बना के क्यों काम कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है अर्न किया जा सके। उसके बाद कह रहा है कड़वाहट बड़े औद्योगिक संबंध। इसका क्या मतलब होता है, कह रहा है निजी क्षेत्र का एक दुखद पक्ष ये भी है कि यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र की अपेक्षा अधिक औद्योगिक विवाद उठते हैं। कह रहा है इससे अनेक गंभीर दुष्परिणाम जो है पैदा होते हैं, जैसे कि कामबंदी, जिससे पूंजीगत साथ समाज का प्रयोग नहीं हो पाता, निठल्ले निठल्ले मजदूर और इस तरह उस जनशक्ति का अपव्यय जिसका संग्रह नहीं किया जा सकता। उत्पादन विषयक हानि, मजदूरी ना मिलने के कारण पैदा होने वाले आर्थिक संकट, हड़ताल, तालाबंदी, घराव आदि के कारण उठने वाली कानूनी और सुव्यवस्था की समस्या। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है देखो बेटा, सरकारी में तो क्या है, हमने कल भी पढ़ा था कि भाई सरकार में तो भाई डेट फिक्स है, भाई सैलरी इसी डेट को आनी है, आंधी आ जाए या तूफान आ जाए कुछ भी हो जाए। लेकिन बेटा प्राइवेट में ऐसा नहीं होता, डेट तो फिक्स होती है। अब कभी कभार क्या होता है, हो सकता है भाई कंपनी ज़्यादा ही लॉस सफ़र कर रही हो पैसे ना हो देने के लिए, तो जैसे कभी कभार हो जाता है, हमारे घर में भी होता है भाई, जितने भी प्राइवेट जॉब्स करते हैं आपके फादर मदर या भाई बहन कोई भी करता होगा तो डेट आगे पीछे हो जाती है, कभी कभार मिलती नहीं है, कभी कभार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, सैलरी नहीं मिलती है तो भाई लेट हो जाती है, 10 10 दिन 15 15 दिन लेट हो जाती है। तो उससे क्या होता है, उससे सब वर्कर स्ट्राइक पे चले जाते हैं, ठीक है, हड़ताल तालाबंदी कर देते हैं। या मान लो कि सभी वर्करों की डिमांड है कि भाई सैलरी बढ़ाओ और आपका मालिक सैलरी नहीं बढ़ा के दे रहा, तो भी बंदे स्ट्राइक पे चले जाते हैं, काम ही करना बंद कर देते हैं, हम नहीं करेंगे, पहले हमारी सुनो। तो प्राइवेट वाले जो होते हैं एज़ कंपैरिजन टू पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है
वाद विवाद हमको देखने के लिए मिलते हैं, जितने भी हम कहीं पे भी स्ट्राइक, तालाबंदी, हड़ताल वगैरह जितनी भी चल रही होती है। ऐसा नहीं है कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर नहीं होती, सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर भी होती है। कहीं आप ये सोच रहे हो, अभी कई सारे बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, सरकार के ही बता रहा हूँ, कि उनकी भी सैलरी जो है होल्ड पे चली जाती है। जब से कोविड का हुआ है, जब से कोविड की सिचुएशन हुई है, तब से कई सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स ऐसे हैं, लोगों की पेंशन से नहीं आ रही हैं, सैलरीज नहीं आ रही हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी में नहीं होता, सरकारी में भी ये चीज़ देखने के लिए मिलती है, लेकिन प्राइवेट में हमको जो है ये चीज़ें ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो ये 5 तरीके की प्रॉब्लम्स हैं जो कि निजी वाला फेस करता है। सबसे पहला है कि इनका काम करने का तरीका ठीक नहीं है। प्रोडक्ट की कॉल ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है, क्वालिटी अच्छी है बुरी है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। ये जैसा काम चल रहा है वैसा ही काम चलाते रहते हैं, और अपनी सेल को बढ़ाने के लिए गलत तरीक़ों का यूज़ करते हैं, जिससे कि कालाबाजारी, चोरी, भ्रष्टाचार, ये सब चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। पैसों की दिक्कत है, छोटी कंपनियों को पैसा राइज करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है, बड़ी कंपनियां तो फिर भी शेयर, डिबेंचर वगैरह, लोन वगैरह से लेकर फुलफिल कर लेती हैं। ऋणता का मतलब होता है कि भाई बहुत सारे प्राइवेट एंटरप्राइजेज ऐसे हैं जो कि लगातार हानियाँ उठा रहे हैं, अपनी लाइबिलिटी को पे करने की सिचुएशन पे नहीं है, लेकिन फिर भी चल रहे हैं, लेकिन इनको बंद नहीं किया जा सकता। बंद हो गए तो भाई फिर जो है लोग बेरोजगार वगैरह भी हो जाएंगे। तो सरकार इस चीज़ को ठीक करने के लिए क्या कर लेती है, अपने अंडर में ले लेती है कि ठीक है मैं देखती हूँ उसको, मुझे दिखाइए। तो भाई पहले तो लॉस प्लस लाइबिलिटी, तो सरकार के ऊपर इस चीज़ का बर्डन पड़ता है। और ये क्योंकि सारे के सारे प्राइवेट एंटरप्राइजेज लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करते हैं, तो इसी वजह से ये क्या करते हैं, मिलजुल के अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, और फिर ये ग्रुप मिल के काम करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है अर्न हो सके। कम उत्पादन करते हैं, महंगी कीमतों पे बेचते हैं, और इनके अंदर लड़ाई झगड़े वगैरह हमको बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। मोस्टली जो इनका मुद्दा रहता है वो सैलरी से रिलेटेड ही रहता है, या तो सैलरी को बढ़ाना, या सैलरी में कभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, सैलरी होल्ड पे कर दी है, तो उस वजह से कई बार हमको हड़ताल, तालाबंदी, ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो ये है कि प्राइवेट वाला जो है क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है। अंजलि, इतनी बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? सर आ रही है समझ मंजू सो रही हो? सर। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि सरकार जो है इनके अगेंस्ट में क्या क्या पॉलिसी बनाती है, सरकार क्या करती है। तो सरकार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखते हैं ज़रा, सबसे पहले सरकार की क्या नीति रहती है इन उद्योगों के उसमें। सरकार की वर्तमान आर्थिक नीति, वर्तमान की बात चल रही है बेटा, अभी की, निजी क्षेत्र के प्रति उदार एवं सहायक है। मतलब कि अगर हम 1991 से पहले की अगर हम बात करते हैं, तो बेटा 1991 से पहले सरकार ने इन पे लाइसेंस लगा रखा था। आपको अपनी कुछ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खोलनी है, एक्सपेंड करना है, विस्तार करना है, कुछ भी करना है, पहले मेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी, जब मैं लाइसेंस दूंगी तो ही ओपन होगा। लेकिन 1991 में हमने ये सब कुछ ख़त्म कर दिया था, क्योंकि हमने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को अपनाया था, इस वजह से ये सब कुछ जो है ख़त्म हो गया। तो उदार का मतलब क्या होता है, कह रहा है निजी क्षेत्रों के प्रति उदार है। उदार पूर्ण का मतलब होता है कि सरकार ने जो भी रूल, रेगुलेशन, रिस्ट्रिक्शंस लगवा रखे थे वो अब सब सरकार ने हटा दिए, अब सरकार सपोर्ट करती है। अनेक उपायों के सहारे सरकार निजी क्षेत्र के स्वस्थ विकास और विस्तार को बढ़ावा दे रही है। सरकार क्या क्या एफर्ट्स कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट एंटरप्राइजेस ओपन हो सकें, इसके लिए सरकार क्या क्या कर रही है। तो सबसे पहले सरकार ने क्या करा, निजी क्षेत्र का विस्तार सरकार ने क्या करा, कह रहे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अभी हाल तक सुरक्षित 17 उद्योगों को घटाकर कितना कर दिया गया, 3 कर दिया गया। हमने 1956 की औद्योगिक नीति में पढ़ा था कि कैटेगरी ए में सरकार ने अपने लिए 17 उद्योगों को रिजर्व करके रख लिया था कि मैं इसको केवल मैं ही ओपन कर सकती हूँ, कोई भी प्राइवेट वाला इसको ओपन नहीं कर सकता। लेकिन फिर 1991 में जब हमने उदारीकरण को अपनाया, तो भाई ये सब चीज़ों को ख़त्म किया गया,
और सरकार ने वो जो 17 उद्योग अपने लिए रिजर्व करके रखे थे उसमें से केवल 4 उद्योगों को ही अपने लिए रिजर्व में करके रख रखा है, जिसके अंदर दवाइयाँ, शराब, शिक्षा, गोला बम्बार शिक्षा सॉरी शराब, ठीक है, गोला बम बारूद और रेल वगैरह, ये सब चीज़ें हैं जो अभी भी ये सरकारी ओपन कर सकती है, बाकी इसके लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी है। शेष उद्योगों को निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिया गया, जिससे कि इसकी सीमा अधिक विस्तृत हो गई। मतलब कि भाई हम कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट वाले कैसे खुलेंगे, इस सरकार ने पहले ही अपने लिए रिजर्व करके रख रखे थे, तो सरकार ने अपने लिए जितने भी रिजर्व करके रख रखे थे वहाँ से अपनी संख्या को घटाया और इनकी संख्या को बढ़ाया ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ओपन हो सके। तो सरकार ने सबसे पहले क्या करा है, सरकार ने सबसे पहले जो है निजी क्षेत्रों के विकास के लिए कैटेगरी ए से 1956 की जो औद्योगिक नीति थी वहाँ से अपनी इम्पोर्टेंस को सबसे पहली बात तो कम किया है। अगला लिखा हुआ है प्रतियोगिता को बढ़ावा। अर्थव्यवस्था को अधिक बाजार उन्मुखी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने निजी क्षेत्रों के कार्य संचालन के संबंध में पर्याप्त छूट या स्वतंत्रता देने की व्यवस्था की है। उदाहरण के लिए कुछ विशेष उद्योगों को छोड़कर सरकार द्वारा औद्योगिक क्षमता के संबंध में लगी लाइसेंस व्यवस्था जो है समाप्त कर दी गई है। इस प्रकार औद्योगिक माल के आयात पर लगी लाइसेंस प्रणाली बहुत बड़ी सीमा तक हटा ली गई है। साथ ही बड़ी फर्मों की परिसंपत्तियों के संबंध जो ऊपरी सीमा बांध दी गई थी उसे भी अब जो है सब कुछ समाप्त कर दिया गया है। बेसिकली यहाँ पे अब जो है बात की गई है कंपटीशन की, कि भाई सरकार ने पहले क्या कर रखा था, सरकार ने पहले बेटा किसी भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस को अगर अपना खोलना था तो भाई सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। खोलने की तो छोड़ो, अगर और अपना जिसका पहले से खुला हुआ है उसको अगर एक्सपेंड भी करना है अपना बिजनेस, तो वो एक्सपेंड करने के लिए भी सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। लेकिन सरकार ने अब इस सब चीज़ों को पूरा हटा दिया। और इसके अलावा सरकार ने पहले हम दूसरे देशों से माल आयात करने के लिए भी कई सारे रूल, रेगुलेशन, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, लाइसेंस प्रणाली वगैरह लगा रखी थी आयात पर भी, कि हम दूसरे देशों से औद्योगिक माल अगर आयात करना चाहते हैं तो वो भी आयात नहीं कर सकते थे। लेकिन सरकार ने फुल्ली प्रतियोगिता कर दी, अब जो है हम कोई आयात वगैरह के लिए कोई लाइसेंस वगैरह की ऐसी वो खास वो नहीं है, सारी रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया। और प्रतियोगिता हो सके इसके लिए कोई भी बेटा दूसरे देश की कंपनी हमारे देश के अंदर आ सकती है, हमारे देश की कंपनियां दूसरे देशों में जा सकती है। अब कोई रूल, कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई बैरियर नहीं है, जिससे कि अर्थव्यवस्था के अंदर प्रतियोगिता को जो है बढ़ावा मिल रहा है। फिर है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, 3 वर्ड मैंने आपको बताए हैं, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। उदारीकरण का मतलब होता है सभी जितने भी रूल, रेगुलेशन, रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं उनको हटाना, उदारीकरण कहलाता है। निजीकरण का मतलब होता है जो सरकारी उद्योग लॉस सफ़र कर रहे हैं उसको पूरा का पूरा प्राइवेट वाले को बेच देना, वो निजीकरण कहलाता है। और वैश्वीकरण का मतलब होता है अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था के क्लोज लेकर आना, समीप लेकर आना। कैसे आएगा क्लोज, कैसे आएगी, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों के नियर बाय आ सके। ऐसे कैसे होगा, अच्छे अच्छे रिलेशन जो हैं बिल्डअप हो सकें, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा ऐसे पॉसिबल है जब हम बिना रूल रेगुलेशन के दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात कर सकें। आयात निर्यात से प्रतिबंध को हटाना पड़ेगा, दूसरे देशों की कंपनियों को अपने देशों में आने दो, अपने देशों की कंपनियों को दूसरे देशों में जाने दो। अगर आप इस तरीके से करते हैं, कोई रूल, रिस्ट्रिक्शंस, बैरियर नहीं लगाते, तो आपकी दूसरी देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ अच्छे संबंध बनते हैं, आपकी इकोनॉमी दूसरे देश की इकोनॉमी के क्लोज आती है। इसी चीज़ को वैश्वीकरण कहते हैं, अपनी अर्थव्यवस्थाओं को दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं के समीप लेकर आना, क्लोज लेके आना, वैश्वीकरण कहलाता है। तो निजी क्षेत्र के कार्यकलाप को विश्वव्यापक बनाने के उद्देश्य से भी कई परिवर्तन जो हैं वो लाए गए हैं। इसका मतलब है घरेलू अर्थव्यवस्था को, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, जिससे कि यह बाहर की ओर उन्मुख बन सके। भाई हमें भी तो पता चले कि बाहर चल क्या रहा है, बाहर कैसे बंदे दूसरे देशों की कंपनियां
किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं, कैसे प्रोडक्शन करती है, क्या टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है, ये सब कुछ। इससे निजी क्षेत्रों का विस्तार होगा, बाजार का आकार बढ़ेगा, प्रतियोगिता की स्थिति क्या होगी, मजबूत होगी। विदेशी बड़ी कंपनियाँ, विशेष रूप से MNCs कंपनियाँ घरेलू अर्थव्यवस्था में प्रवेश करने के लिए व्यवस्था की गई है। आज कोई भी कंपनी दूसरे देश की भारत के अंदर आ सकती है। आयात निर्यात को सरल बना दिया गया है। सारे के सारे शुल्क, टैक्सेस, इन सब की दरों को घटा दिया गया है। विदेशी पूंजी और तकनीक के प्रवेश पर सबको क्या कर दिया, सुविधाजनक बना दिया। बेटा वैश्वीकरण का मतलब सारा का सारा लिंक इससे, जो भी चीज़ें हम दूसरे देशों के साथ करते हैं, ठीक है, दूसरे देशों के साथ हम आयात निर्यात करते हैं, उसको भी सरल बना दिया। आयात निर्यात पर जितने भी टैक्स लगते हैं, या तो हटा ही दिया गया या उसकी रेट को कम कर दिया गया, ठीक है। हमारे देशों की कंपनियां दूसरे देशों में जा सकती हैं, दूसरे देशों की कंपनियां हमारे देशों में आ सकती है, इसको भी इजीली कर दिया गया। दूसरे देशों से हम बहुत इजीली, मुझे लोन लेना है, ठीक है, मुझे टेक्नोलॉजी का आयात करना है, कुछ भी करना है। अब इन सब चीज़ों को सरकार ने बहुत ही ज़्यादा सरल बना दिया है, ताकि दूसरे देशों की कंपनियां हमारे देश में आए और हमारे देशों की कंपनियां दूसरे देशों में जाए, हमें भी पता चले कि भाई दूसरे देशों में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो ये सब चीज़ें जो हैं सरकार ने करी है, इसी चीज़ को जो है वैश्वीकरण के नाम से जो है हम जानते हैं, ठीक है जी। एक मिनट रुकिए ज़रा।